निर्दलीय होना इसलिए हम अच्छा समझते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का छुआछूत वाली बात नहीं। जलेश्वर महतो को मजबूरी में हम लोग वोट फेंक देते थे, जो विकल्प के रूप में रोहित भैया को ढूंढ लिए हैं। 100% आज ही गारंटी दे सकते हैं कि रिजल्ट जो है हमारे पक्ष में चला गया। जो परंपराएं 25-30 साल से चली आ रही थी, कुछ दलों के वोट बैंक जो अस्थाई रूप से बने हुए थे, वो सारी सीमाएं टूट चुकी हैं कि हम लोग के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं दिखता था। कोयले के गुबार में कब कौन सा चेहरा निकलकर सामने आ जाए कहना मुश्किल है। अगर इस गुबार में किसी नए चेहरे को तलाशना हो तो आपको यहाँ बाघमारा आना पड़ेगा, और हमारे साथ वही चेहरा मौजूद है, रोहित यादव जी। रोहित जी आज चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, हालांकि इनकी कोशिश थी कि किसी पार्टी से भी इनको टिकट मिले, वो नहीं हुआ, लेकिन इनके समर्थकों की ये चाहत थी कि ये मैदान में आए, और ये मैदान में आए। पूरे क्षेत्र में एक अलग तरह का वाइब्रेशन आप महसूस कर सकते हैं रोहित यादव के नाम से। आपको क्या लगता है, पार्टी ना रहने से आप ज्यादा परेशान हैं, या आपको लगता है कि निर्दलीय होने से आप ज्यादा सुखी हैं? निर्दलीय होना आज हम सुखी महसूस कर रहे हैं। कैसे? आपको लगता है कि पार्टी होने से तो फिर बहुत तरह की जिम्मेदारी होती, अभी आप शायद आम लोगों से ज्यादा घुल मिलकर? पार्टी के प्रत्याशी अगर रहते तो कुछ लोग पार्टियों में बटे होते हैं, छुआछूत की भी भावना चलती है पार्टियों में, लेकिन हमारा निर्दलीय होना इसलिए हम अच्छा समझते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का छुआछूत वाली बात नहीं। अच्छा, पार्टी जब जुड़ती है तो उनके सिद्धांत, उनके बहुत सारी चीजें होती हैं। धनबाद में आमतौर पर ये माना जाता है कि या तो कांग्रेस के सिद्धांत रहेंगे या बीजेपी के सिद्धांत रहेंगे। आपको लगता है कि इनसे अलग हटकर भी यहाँ की बात की जानी चाहिए? जी, इनसे जरूरी है। इनसे अलग हट करके अगर बात किया जाए, धनबाद जिला और बाघमारा की जो हम स्थिति देख रहे हैं, परिस्थिति, लोगों का एक ही कहना है कि हम लोग सिर्फ रोहित यादव को विकल्प पा करके चुन रहे हैं। जलेश्वर महतो को मजबूरी में हम लोग वोट फेंक देते थे कि हम लोग के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं दिखता था, तो ये हम कह सकते हैं कि पार्टियों से हट करके भी और जनता के बीच में अगर 365 दिन कोई काम करे तो जनता अपने उन्हें नकारने वाली नहीं। इधर हाल में महसूस हुआ है कुछ और पार्टी भी, जो यूथ की पार्टी है वो भी सामने आई है, क्या झारखंड की जनता को वाकई किसी तीसरे विकल्प की जरूरत है? हम पूरे झारखंड की बात नहीं कर सकते हैं, आप सर उस विषय पर कर सकते हैं, आप घूम रहे हैं चारों तरफ, लेकिन बाघमारा में विकल्प यहाँ के नौजवानों को चाहिए था, जो विकल्प के रूप में रोहित भैया को ढूंढ लिए हैं, और यहाँ का रिजल्ट भी 100% आज ही गारंटी दे सकते हैं कि रिजल्ट जो है हमारे पक्ष में चला गया। हम थोड़ा सा उस दौर रोशनी की तरफ आ जाए, थोड़ी सी बातचीत हम करते हैं, सामने आ जाओ। तो हम ये चाह रहे थे कि फील्ड में जो हमारी जिन भी लोगों से बातचीत हुई है,
उसमें परंपरागत कार्यकर्ता तो उन लोगों के साथ हैं, क्या आपको लगता है कि परंपरागत वोटर भी होंगे जो उनके साथ जाएंगे? बागमारा में जो परंपराएं 25-30 साल से चली आ रही थी, कुछ दलों के वोट बैंक जो अस्थाई रूप से बने हुए थे, वो सारी सीमाएं टूट चुकी हैं और थोक भाव में टूट चुकी हैं। आप अपना मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं, जलेश्वर महतो या शरद? प्रतिद्वंदी शरद महतो को ही रहना होगा, जलेश्वर दा किसी नंबर में भी नहीं है। निश्चित रूप से जलेश्वर दा की जमानत जब्त होगी। चलिए, इसी नोट पर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है रोहित यादव जी में और हम उम्मीद करते हैं और इनको शुभकामनाएं देते हैं इस पूरे चुनाव के लिए। यहाँ की जनता किस चेहरे को पसंद करती है वो अब से कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। चुनाव की हर गतिविधि हम आपको दिखाएंगे न्यूज बायोस्कोप पर। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स ग्रेनाइट सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापिस। जानवी सिरामिक हुर मोड़ डाल्टनगंज शाहपुर रोड गढ़वा झारखंड शर्ते लागू।